नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। अटेंशन में आज बात कोरोना महामारी की। जी हां, कोरोना महामारी की भयंकर आपदा झेल रहे मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिल रही है। ऑक्सीजन की कमी झेल रहे प्रदेश को अब सड़क वायु मार्ग के बाद रेल मार्ग से परिवहन कर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रदेश सरकार कई शहरों में ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार कर रही है, जिसमें धार में सिर्फ 4 दिन में 40 टन का प्लांट तैयार हो गया है। दरअसल प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच राहत की बात यह भी है कि जो पॉजिटिव रेट है, कुछ कमी देखने को उसमें मिली है, लेकिन मौतों के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से रोज मौतें हो रही हैं। सरकार तो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन इस कोरोना संकट में कई स्तरों पर लापरवाही भी देखी जा रही है। भोपाल के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट और उससे जुड़े सप्लाई सिस्टम में कई खामी पाई गई हैं। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या महामारी के इस दौर में सिस्टम ने लोगों को उनके भरोसे पर छोड़ दिया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी चल रही है तो कहीं ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी से रोज मौतें हो रही हैं। ग्वालियर के सबसे बड़े जया रोग के कमला राजा अस्पताल में मंगलवार को ऑक्सीजन खत्म हो गयी। तड़प तड़प कर 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हालांकि कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का दावा है कि कम से कम 10 लोग मरे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। कई कंपनियों से समझौते किए जा रहे हैं तो कई जगह ऑक्सीजन प्लांट बनाने की बात भी कही जा रही है। अभी मौजूदा स्थिति में सड़क और वायु मार्ग से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। अब ट्रेन मार्ग से भी ऑक्सीजन बुलवाई जा रही है। झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस से आए 6 टैंकर भोपाल और जबलपुर में सप्लाई किए जाएंगे। रेलवे ने एक हफ्ते पहले ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत करने की तैयारी की थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की मांग पर रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की शुरुआत की है। ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन टैंकरों को ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए सड़क मार्ग के मुकाबले कम से कम घंटों में राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ऑक्सीजन प्लांट के पास ही अस्पताल खोलने की तैयारी भी कर रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए बीना रिफाइनरी से करीब 500 मीटर दूर आगा सौ चक के खेत में चल रहे 1000 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने मंगलवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बीना पहुंचे। इस दौरान सीएम शिवराज ने कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने पर चिंता तो जताई, साथ में दावा भी किया कि प्रदेश में अब लगातार पॉजिटिविटी दर घट रही है। दरअसल प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,25,000 के ऊपर पहुंच गया ही हो रहा है। हमारे प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही, पॉजिटिविटी दर हमारी लगातार नीचे जा रही है और मुझे विश्वास है कि जनता के सहयोग के कारण हम जल्दी कोरोना पर काबू पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ संक्रमितों के इलाज की लगातार हमको व्यवस्था करते रहना है और दूसरे कोरोना में कौन सी लहर आ जाए अभी इसका भी ठिकाना नहीं है और इसलिए इलाज की बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के प्रयास लगातार जारी है। ऑक्सीजन की कमी एक समस्या है। एक तरफ हम प्रदेश से बाहर ऑक्सीजन ला रहे हैं, आज ऑक्सीजन रेल भी मध्य प्रदेश में 6 टैंकर लेके चली है बोकारो से, वो भी आज मध्य प्रदेश में पहुँच रही है। वायुसेना के हवाई जहाज़ों से भी खाली टैंकर भेज के हम दूसरी जगह से टैंकर भरवा के और लगातार मध्य प्रदेश में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बीना रिफाइनरी के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और इसलिए हमने ये विचार किया कि अगर यहाँ ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन ऐसी है जिसको सिलेंडर में भर के दूसरे अस्पताल में हम सप्लाई नहीं कर सकते और इसलिए हमने ये विचार बनाया कि जहाँ ऑक्सीजन है वहीं हम अस्पताल बना दें और इसलिए कोरोना के
पीड़ित भाई और बहन, कोरोना से पीड़ित भाई और बहनों के लिए ये बिना रिफाइनरी की ऑक्सीजन पर आधारित अस्पताल बनाए जाने का हमने फैसला किया है। इन सब के बीच कोरोना संकट के इस काल में कई लापरवाही भी बरती जा रही है, जिससे राजधानी भोपाल के कई अस्पतालों में मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि नगर निगम की टीम ने निरीक्षण के दौरान अस्पतालों के ऑक्सीजन प्लांट और उससे जुड़े सप्लाई सिस्टम में कई खामियां पाई हैं, जिसके लिए नगर निगम ने शहर के कई अस्पतालों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब भी मांगा है। तो जाहिर है सरकार तो अपने स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। ऐसे में सवाल यही कि क्या महामारी के इस दौर में सिस्टम ने लोगों को उनके भरोसे छोड़ दिया है या उनके पास महामारी का बहाना मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो सरकार के प्रयास और सिस्टम की इसी खामियों को समझने का प्रयास करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया के साथ। सबसे पहले प्रकाश जी, आपके पास कि अभी एक सप्ताह पहले की अगर बात करें हम, तो जो कोरोना की जो दर है वो लगभग आज की जितनी थी या के कुछ ज़्यादा थी। ऑक्सीजन को लेकर भारी मारामारी थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे। अब सरकार दो मोर्चे पर काम कर रही है, एक तरफ बेड जुटाए जा रहे हैं, लगातार कोविड केयर सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं, और ऑक्सीजन जुटाने का प्रयास है, पहले हवाई जहाज से अब रेल मार्ग से, और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल भी रही है। लेकिन ये जो सिस्टम के लीकेज है कि ग्वालियर में ऑक्सीजन इसलिए नहीं चढ़ाई जाती मरीजों को क्योंकि डॉक्टर साहब एक मंत्री के स्वागत में लगे हैं और वो उनसे मंजूरी नहीं मिलती, इसलिए मरीज कोई मौत हो जाती है और उसका ठीकरा सिस्टम की जगह सरकार पर फूटता है। तो ये जो छोटी छोटी लापरवाही, आपको नहीं लगता कि सबसे पहले इनको कसना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है मनोज, बहुत सारी चीजें कसने की जरूरत है, बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कितने हद तक कामयाब होंगे। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो हमें पता है कि मध्य प्रदेश में परिस्थिति आज जो है राज्य सरकार के हाथ से निकली हुई है, उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान का जो व्यक्तित्व है, जो काम करने की शैली है, जिस तरह के अंदर उनमें जज्बा और जुनून है, तो वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम का साथ उन्हें भी मिलना चाहिए। अब उसमें हर जगह मुख्यमंत्री कितनी निगरानी रखेगा, तो मुझे लगता है कि हर जगह जो उसका वो होना चाहिए था, पावर का विकेंद्रीकरण होना चाहिए था, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने प्रयास भी किया, मंत्रियों को जो है अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी, तो मुझे लगता है कि अब सामूहिक स्तर पर सबको उतनी ही जुनून से काम करने की जरूरत है, तब जाके परिस्थितियों को आप अपने हाथ में वापस ले सकते हैं। हालांकि बड़ी हद तक कोशिश हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई सामान्य होने की स्थिति में आ रही है, लेकिन उसके बावजूद रोज कहीं ना कहीं हमें ये समाचार मिल रहा है, अब इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, कहीं ऑक्सीजन नहीं पहुंची, कहीं पहुंची तो जरूरत के अनुसार नहीं पहुंची, तो ये सारा तमाम तरह के जो अभी हाल घटनाक्रम चल रहे हैं, और सरकार आंकड़ों में कोरोना को स्थिर बता रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 1800 पार पहुंच गया, 1700 से 1800 पार चला गया, यानी कि बढ़ रहा है, तो अभी हाँ भोपाल में बढ़ रहा है। तो अब आप मध्य प्रदेश के आंकड़ों की बात नहीं है, अभी इस समय यहाँ पे आंकड़ों की बात करने का कोई उचित नहीं है। सवाल सीधा सा है, ये मानना चाहिए कि कोरोना बेकाबू है और उसे काबू में करने के लिए हमें जितने भी संभव प्रयास है और वो पूरी ईमानदारी के साथ लागू हो, नाटक नौटंकी ना हो, सीधे सीधे काम हो, जरूरतमंदों की चिंता हो और उन तक समय पे चीजों की उपलब्धता हो। यानी ये भी कह सकते हैं कि कोरोना से पहले तो अफसरों को काबू किया जाए, जो नीचे तक सिस्टम उसको काबू किया जाए, तो कोरोना अपने आप में काबू हो जाएगा, क्योंकि प्रयास तो सारे हो रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए, जो आपने कहा जो जुनून होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री में तो जुनून दिख रहा है, वो तैयारियां भी कर रहे हैं, वो संसाधन भी जुटा रहे हैं, लेकिन जो नीचे के स्तर पर जो लापरवाहियां हो रही उसको थोड़ा और कसने की जरूरत है। प्रकाश जी देखिए, मुझे लगता है कि ये तो निरंतरता है कसने की जरूरत, निचले स्तर तक एक निरंतरता से वो प्रशासन को कसने की जरूरत है, लेकिन सवाल ये कि कोई ये एक आपदा है, बहुत बड़ी आपदा है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी परिस्थितियां बिगड़ती रहती है। कई बार हम किसानों का आंदोलन देखा, प्याज का उत्पादन ज्यादा हो गया, परिस्थितियां हाथ से निकल रही है, किसान फांसी लगा रहे हैं, या और किसी तरह का मिसमैनेजमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं किसी व्यवस्था में, तो प्रशासन को तो हमेशा नीचे तक कसा हुआ रहना ही चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से हमने मैंने कल भी बोला था कि मध्य प्रदेश में कलेक्टर और एसपी के ऊपर जवाबदारी डाल दी है आपने, तो क्या सारी व्यवस्था सुधर गई? बिल्कुल निश्चित तौर पे नहीं सुधरी है, तो
तो जब तक आप कड़ा नतीजा नहीं देंगे, कड़ा मतलब एक संकेत नहीं देंगे, कार्रवाई का संकेत नहीं देंगे, तब तक मुझे लगता है कि अभी भी भोपाल के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है और उसमें कई प्रमुख लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि फिर हमारा नियंत्रण कहाँ है, किस पे नियंत्रण कर रहे हैं हम। तो ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो नियंत्रण होना चाहिए नीचे तक तो हमेशा ही होना चाहिए, अगर आपकी प्रशासन पे पकड़ है तो वो दिखना भी चाहिए। बिल्कुल प्रभु जी, दो राज्यों की अगर हम बात करें, क्योंकि ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली और मध्य प्रदेश लगभग उसी स्तर पर खड़े थे जो एक सप्ताह पहले। राज्यों की आबादी की बात करें तो दिल्ली की आबादी मध्य प्रदेश से 3 गुना कम है, या कहें मध्य प्रदेश की आबादी दिल्ली से 3 गुना ज़्यादा है। इसके बाद भी आज दिल्ली हाईकोर्ट पूछता है, केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हैं, और हमने भी देखा इस पर, हमने चर्चा की थी कि एक ऐसे राज्य में वो अपना प्रचार करते हैं, केजरीवाल मध्य प्रदेश की बात करें, जहाँ जिस राज्य में खुद टैंकर नहीं, सरकार बाहर से मंगा रही है, वो यहाँ के अखबारों में विज्ञापन देके पूछते कि टैंकर है क्या किसी के पास। तो ये जो एक फर्क बताया कोर्ट ने कि आप सरकार चला रहे हैं, आप बहाने नहीं बना सकते हैं, तो ये बाकी सारे नेताओं के लिए सबक है कि आप प्रयास करते हुए ना दिखें, करें भी। जो भटनागर जी ने कल कहानी सुनाई थी कि बंदर की एक डाल से दूसरी डगाल आप उछले नहीं, नीचे काम करते दिखिए, दूसरा काम होता भी दिख रहा है। लेकिन जो जिन जो बात हमने भटनागर जी से पूछी, वही सवाल आपसे भी, कि वो जो काम में जो नीचे के स्तर पे जो पलीता लगाया जा रहा है, वो छोटी छोटी उसको लेकर, जिसका गंभीर रूप में वो सामने निकल कर आ रही है, इसके लिए क्या उपाय किया जाए? देखिए मनोज जी, जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, तो अपने इस 14 साल के कार्यकाल में उन्होंने साबित किया कि जब भी कोई संकट खड़ा होता है तो संकट से समाधान खोजते हैं। यदि इसी कोरोना की जो दूसरी लहर की बात कर लें, तो जिस तरीके से अचानक ये लहर आई, उसके बाद जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी या इंजेक्शन रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ी, तो आप ये देखिए कि देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से इंजेक्शन लाए गए और बांटे गए। देश का पहला मुख्यमंत्री है जिसने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि हवाई जहाज, सेना के हवाई जहाज की मदद ली जाए। उन्होंने बाकायदा राजनाथ सिंह जी से बात की और हवाई जहाज से मध्य प्रदेश में परिवहन शुरू हो गया, ऑक्सीजन टैंकर को ले जाया जाने लगा। और अब 24 तारीख से सिलसिला शुरू है। आज भी जब मैं आ रहा था तो वो जो C-17 विमान है वो आज भोपाल के ऊपर उतरता हुआ मुझे दिखाई दिया। तो एक दिन में दो दो तीन तीन बार प्लेन आ रहा है, 3 टैंकर लेकर जा रहा है, 2 भोपाल से लेकर जा रहा है, 1 इंदौर से लेकर जा रहा है। तो ये सिलसिला एक उन्होंने शुरू किया है कि कम समय में मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन मिल सके। ये जो ट्रेन का आइडिया, ये भी शायद उन्होंने सबसे पहले उन्हीं का पॉइंट रेस किया हुआ था, जो अस्पताल है उसका आइडिया था जी। तो उसके बाद ये जो है टैंकर के, अब मध्य प्रदेश को भी टैंकर ट्रेन मिल गई है, ऑक्सीजन लेकर आ रही है, बड़ी सौगात है और बड़ी राहत इससे मिलने वाली, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आ रही है जो बहुत सारी जगह सप्लाई हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन जो आप जो नीचे तक की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के जो कार्य विभाजन है या सरकारी कर्मचारी जो काम करते हैं, उनके जो नियम कायदे हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि कोई डॉक्टर अपना काम छोड़कर कोई मंत्री आ रहा है तो उसके स्वागत में जाए। बिल्कुल। कोई मंत्री के लिए ये नहीं लिखा है कि ऑक्सीजन का टैंकर आ रहा है तो पहले पूजा पाठ, उसकी आरती उतारे, उसके बाद उसको आगे ले जाए, भले वहाँ मरीज को ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा हो। तो ये जो नाटक नौटंकी हो रही है, एक आध दो जगह हो रही है। आपने भी एक ग्वालियर का उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 जिले में सभी जगह ऐसी स्थिति नहीं होगी, नहीं है निश्चित तौर पर। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो दिन रात सेवा भाव से काम कर रहे हैं। हम अखबारों में देखते हैं, भोपाल की एक नर्स का किस्सा है कि नर्स प्रेग्नेंट है, पति कोरोना पीड़ित है, लेकिन वो जो है लगातार सेवा कर रही है। कोरोना पीड़ित डॉक्टर दंपत्ति भी हमने बताया कि जो खुद पीड़ित हैं कोरोना पॉजिटिव और अपने वार्ड में भर्ती और वार्ड में इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के यदि हम चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात करें, जो विश्वास सारंग, उनका पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती है, लेकिन वो जो है परिवार से मिलने तो नहीं जा पा रहे हैं, जाते भी हैं तो दूर से खिड़की से देख लेते हैं और अपने बाकी के जो काम काज है उसमें लगे हुए हैं। तो ये काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। न्यूसेंस वैल्यू की ज़्यादा चर्चा होती है, जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं वो हमारे पास जल्दी सामने आ जाते हैं। यही इसी पर हम इसलिए ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे थे जी। अब जो ऐसे लोग हैं उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। 7.5 करोड़ जनता का मुखिया, यदि 7.5 करोड़ की चिंता कर रहा है मुख्यमंत्री, तो क्या मुख्यमंत्री को ये भी देखना है कि कौन सी नर्स काम कर रही, कौन सी नहीं कर रही है? उसके लिए एक पूरा सिस्टम है, जो आप सिस्टम की बात, एक पूरा तंत्र है। जिलों के अस्पताल हैं, वहाँ पे CMHO हैं, CMHO की जिम्मेदारी कि ऐसी कोई गलत खबर आती है कि कोई ढंग से काम नहीं कर रहा तो उस पर वो कार्रवाई करें, उसको नसीहत दें, नोटिस दें। CMHO यदि नहीं कर रहा है तो उस जिले का कलेक्टर है, संभाग का आयुक्त हैं वो, जो कि उस जिले के सबसे बड़े प्रभारी हैं संभाग के, वो ही कार्रवाई कर सकते। तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम में कहीं कोई ब्रेक है तो फिर ये दिक्कत है और उनको अपनी दायित्व को निभाना चाहिए। लेकिन यदि हम कहें पहली प्राथमिकता आज की तारीख में ये है
क्योंकि अभी हमने देखा कि एक यदि आपने जो है यदि भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में इंजेक्शन की कालाबाजारी और ये सब बेड बिकने की बात आई, वहां का जो अमला था उस पर कार्रवाई की गई, जो स्टाफ था जो तो उसने हड़ताल कर दिया गया था, हड़ताल कर दी। तो एक ये मजबूरी भी ये है कि आप इस मौके पर, आपदा के मौके पर, जहां आपका एक एक आदमी कीमती है, आप याद कीजिए कि इसी प्रदेश में गोपाल भार्गव ने अपने खर्चे पे कोविड सेंटर बनाया 70 बिस्तरों का, उनको डॉक्टर के लिए विज्ञापन निकालना पड़ा, बिल्कुल, और सैलरी तो, भी अच्छी खासी दे रहे हैं। तो ये इस तरह की स्थितियां हैं। तो अभी यदि डॉक्टर को, नर्स को, इन पर यदि सख्त कार्रवाई करते हैं अभी, तो बाकी लोग यदि उनके समर्थन में हड़ताल कर लेते हैं तो दिक्कत और खड़ी हो सकती है। तो ये भी सरकार का सोचने का विषय है। कई बार इस विषय को भी देखकर ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक कंकड़ है जी, पूरा का पूरा चावल खराब नहीं है, कोई एक कंकड़ है जिसकी वजह से ये न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट हो रही है, तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए और बाद में सजा मिलेगी भी, ऐसा मुझे भरोसा लगता है कि अब चूंकि इतनी चर्चा हो चुकी है कि उनको सजा मिलेगी, लेकिन ये है कि इस घटना से सबक दूसरों को देना चाहिए, ये उदाहरण बनने चाहिए कि ये फलाना डॉक्टर ऐसा कर रहा था तो आप ऐसा ना करें, ये एक नसीहत दी जानी चाहिए लोगों को, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ की जानी चाहिए, तो शायद बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आ सकता है। बिल्कुल, और हम भी लगातार कोशिश ये करते हैं कि पॉजिटिव जो खबरें हैं कम से कम इस नेगेटिविटी के दौर में वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग अप्रिशिएट हो, उनको लगे कि कोई एक अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ की जाना चाहिए, जैसा आप भी कह रहे थे। और बिल्कुल मनोज जी, ये एक बड़ी समस्या है ये, आप ये देखिए, ये मतलब कोरोना की जो लहर आई है तो ये इस तरीके का मामला है कि जरूरत से ज़्यादा आ गए, मतलब किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी, अमेरिका जैसा जो महाशक्तिशाली देश है, वहाँ वो भी पहली लहर में परेशान हुआ। जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, कोई अस्पताल बनता है यदि 100 बिस्तरों का, तो 10 बिस्तर वहाँ पे ऑक्सीजन वाले रखे जाते हैं या आईसीयू में रखे जाते हैं, तमाम वेंटिलेटर तमाम सुविधा के साथ, बाकी क्योंकि बहुत कम मरीजों को उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी ये स्थिति आ गई है कि जो आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर को ज़रूरत पड़ रही है, तो इसकी एक वजह शायद हम हैं, हम मतलब जनता, हमारा समाज, हम इसके जिम्मेदार हैं कि हमको कोरोना के लक्षण के बारे में सरकार बराबर प्रचार कर रही है, जगह जगह जांच करा रही है, सेंटर खुले हुए, आप जांच कराइए, आपको यदि कोई लक्षण आता हुआ दिखाई दे रहा है तत्काल डॉक्टर से संपर्क कीजिए, यदि दवाइयाँ लेना खुद शुरू कर देते हैं तो शायद वो स्थिति नहीं आएगी जिस बिगड़ी स्थिति में लोग अस्पताल पहुँचते हैं। बिल्कुल, तो हमको, जनता को भी इसमें सरकार के साथ मदद करनी होगी, अपने आप को बचा कर। आप यदि मास्क लगा कर निकलेंगे तो आपको कोरोना से बचने की 80% तक संभावना रहेगी, यदि धोखे धड़ाके से हो गया तो तत्काल इलाज शुरू कीजिए, तो शायद आप उस स्थिति पे नहीं पहुंचेंगे जिस स्थिति में ये मारामारी मच रही है। बिल्कुल, आपको शायद अस्पताल ना जाना पड़े जी। और रही बात लोगों की, तो लोगों की एक जो संग्रहण की प्रवृत्ति है वो कई बार दिक्कत खड़ी करती है कि उनने ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए रख रखा है कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, हो सकता भविष्य में जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री जी भी कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हमको अस्थायी अस्पताल बीना में इसलिए खोलना पड़ रहा है कि वहाँ ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन को ढोकर ले जाने की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, बिल्कुल इतने सिलेंडर नहीं कि हम बांट सकें, तो इसलिए यदि सिलेंडर का तत्काल उत्पादन तो हो नहीं सकता इतने हाई क्वालिटी के सिलेंडर का, तो इसलिए जो लोग हैं उनको देखना चाहिए, उनके यहाँ जरूरत नहीं है, सिलेंडर को वापस कर दीजिए, आप बाजार में दे दीजिए, किसी और को दे दीजिए, जब आपको जरूरत हो शर्त पर दीजिए कि जब जरूरत हो तो आपको मिल जाए, जिस तरीके का प्रयास भोपाल में कुछ संस्थाएँ कर भी रही हैं कि वो लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं। कई लोग नजीर पेश कर रहे हैं, जैसे मंदसौर में हमने देखा कि वेल्डिंग वाला जिसका पूरा परिवार उस पर कमाई पे था, उसने अपना सिलेंडर अस्पताल में दान कर दिया कि जीवन रहेगा तो मैं कमा खा लूंगा लेकिन ये सिलेंडर अब अस्पताल में रख लीजिए। जी बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए और लोगों को सहयोग करना चाहिए। देखिए, कोई भी महामारी यदि आपदा है, आपदा से दुनिया की कोई सरकार नहीं निपट सकती, कोई भी वो नहीं निपट सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हनुमान जयंती के दिन भी हम बात कर रहे हैं, हम हर संकट में मंदिर जाते हैं। आप याद कीजिए, कोरोना का पहला चरण था, मंदिरों में भगवान लॉक हो गए, भगवान के दर्शन करने हम नहीं जा पाए, कई त्यौहार हमारे निकल गए। तो ये जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां भी तभी हैं जब उनके साथ भक्त हैं। जो भक्ति यदि पक्षद्रोही हो गया, भक्ति नालायक निकल गया, तो भगवान क्या कर लेगा। यदि हम आपदा को खुद ही बुला रहे हैं, आ बैल मुझे मार वाली स्थिति हम कर रहे हैं कि मास्क निकाल कर घूम रहे हैं, कोरोना को लेकर घूम रहे हैं, चार आदमी को बांटते चले जा रहे हैं, तो दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे सरकार काम कर रही है, सरकार तब काम करती है जब समस्या हो। बिल्कुल, समस्या के पहले सरकार एक अनुमान लगाती है कि इतनी समस्या हो सकती है, उस हिसाब से अस्पताल खोल देती है, व्यवस्थाएँ करती है। लेकिन अचानक ही हो जाए, प्रलय जैसी स्थिति आ गई है, सुनामी जैसी स्थिति आ गई, तो उससे निपटने के लिए जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। और वाकई में आपने सही कहा, दिल्ली का उदाहरण है कि दिल्ली में कोर्ट फटकार लगा रहा है दिल्ली सरकार को,
दिल्ली के मुख्यमंत्री केवल आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं, वो व्यवस्थाएं जुटाने में नहीं लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर और है मनोज जी, जो अभी सामने आया था जी, मध्य प्रदेश का एक टैंकर जिसमें यूपी का नंबर था, वो बोकारो से ऑक्सीजन लेकर आ रहा था, यूपी की सरकार ने वहां के अफसरों ने उसको पकड़ लिया कि यूपी का टैंकर है, जो कि नंबर यूपी का था। उसको लेकर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि एक टैंकर के लिए लड़ने पर उतारू हो गया कि मध्य प्रदेश के लिए निकला हुआ, आपने रोक कैसे लिया? तो ये जज्बा दिखाता है अपने लोगों के प्रति, अपने प्रदेश के लोगों के प्रति काम करने का। और ये जज्बा सब में होना चाहिए, आम आदमी में भी ये जज्बा होना चाहिए। किसी घर में सिलेंडर रखा है तो उस पर दबाव डालें कि आप सिलेंडर को बाहर निकाल के रखिए। कोई यदि रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा है तो आप उस पर दबाव डालिए, उसकी सूचना दीजिए। कोई यदि जांच में ज़्यादा पैसे ले रहा है तो जनता को ही सहयोग करना चाहिए। तो जनता की भलाई के लिए ही काम हो रहा है, तो जनता को अपनी भलाई के काम में खुद आकर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल प्रकाश जी, जनता की भलाई का काम हो। और एक बड़ी चुनौती ये भी है, क्योंकि मास्क इसका उपाय है, एक उपाय है कोरोना से बचने का, लेकिन सबसे बड़ा उपाय ये कि आपको वैक्सीन लगवाइए। अब 18 साल से ऊपर वालों के लिए हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, वैक्सीन की भी कमी है, सेंटर भी कम है, अमला भी कम है। अब एक साथ से अगर वहाँ भीड़ उमड़ती है तो एक बड़ी चुनौती ये भी होगी सरकार के सामने। देखिए निश्चित तौर पे एक चुनौती होगी 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने मुफ्त इंजेक्शन वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है, तो एक चुनौती भीड़ अगर उमड़ी तो। अब सवाल ये है कि भीड़ उमड़ी, अब लोग यदि समझदारी से काम करेंगे तो सबको वैक्सीनेशन हो जाएगा। लेकिन इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है भोपाल के अंदर, जनता कर्फ्यू है 3 मई तक, तो लोग तरीके से निकले, ढंग से जाएं, उसका 2 गज की दूरी का पालन करें। सेंटर्स में जहां जा रहे हैं आप तो पर्याप्त समय लेके जाएं, पर्याप्त सावधानी के साथ जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी बारी का इंतजार करें। भीड़ लगाने से तो कोई फायदा होगा नहीं, तो ये समझ तो हम में खुद में होना चाहिए जो इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं। इतनी सारी जागरूकता, इतना सारा प्रचार पिछले 1 साल से हो रहा है और उसके बाद भी जैसे ही हमें मौका मिलता है हम लापरवाह हो जाते हैं। तो अब हमारी लापरवाही का दोष हम किसे देंगे? सरकार को दे देंगे। बार बार हम कह देंगे कि सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई, सरकार ये नहीं कर पाई। सरकार जो नहीं कर रही है उसके लिए सरकार को कोसना चाहिए, कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है? जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि अभी 45 लाख लोगों तक के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था के लिए सरकार ने सबसे पहले ऑर्डर दे दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने अब वैक्सीनेशन आएगा भी, होगा भी, तो सब जगह पूरे उसमें होगा। तो निश्चित तौर पर यदि लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता आई तो निश्चित तौर पर भीड़ का माहौल बनेगा, खास करके चूंकि अब यंग एज के पास आया है मामला, तो निश्चित तौर पे युवा ज्यादा समझदार है, ज्यादा जानते हैं आज के दौर में, तो मुझे लगता है उनके अंदर एक उत्सुकता भी रहेगी और एक भीड़ का वातावरण भी बन सकता है। तो इससे निपटना भी एक हम लोगों के लिए समस्या हो सकता है, लेकिन यदि हम खुद पे नियंत्रण रखेंगे तो मुझे लगता है कि इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल प्रभु जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि समय और ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, कि खुद पे नियंत्रण की भी बात है, नियंत्रण रखना भी चाहिए, रखेंगे भी, लेकिन एक बड़ी चुनौती है क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और WHO से लेकर तमाम संस्थाएं कि एक और लहर, तीसरी लहर कब आएगी, कितनी विकराल होगी इसका पता नहीं, दूसरी कब थमेगी, कहां तक जाकर थमेगी। ऐसे में सरकार के सामने क्या चुनौती और पब्लिक को क्या क्या सावधानी रखें या पब्लिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए? देखिए मनोज जी, चाहे कोरोना जब आया था तब से एक ही लोगों के लिए एक ही काम है, बहुत आसान सा काम है, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और हाथ धोते रहें। बिल्कुल बहुत आसान सा उपाय है, यही उपाय को अपनाकर वो अभी वैक्सीनेशन करा लें। यदि सभी लोग वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो जो अभी तक के जो रिजल्ट्स आए हैं वैक्सीनेशन के बाद के कोरोना के, वो ये बता रहे हैं कि कोरोना एक तो होता नहीं और कभी धोखे धड़ाके से हो भी गया तो घातक नहीं होता है। बिल्कुल, तो जितने लोग सुरक्षित रहेंगे तो एक शील्ड का काम करेंगे और अपने समाज को सुरक्षित रखेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और सरकार का दायित्व है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक का अवेयरनेस कैंपेन चलाए। यदि वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की भीड़ लगती है तो स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि हमने देखा दूसरे चरण में जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो कई सेंटर पर वैक्सीन लगवाने कोई जा ही नहीं रहा था। बिल्कुल, तो जितने ज़्यादा लोग जाएंगे, भीड़ उसकी आएगी, तो बहुत अच्छी बात है कि लोग वैक्सीन के प्रति सचेत हो रहे हैं, लगवा रहे हैं। बस ये है कि वहाँ पर भी खड़े होने में मास्क लगाकर खड़े हों, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, अपनी बारी आए वैक्सीन लगवाएं और जल्दी से जल्दी सभी लोग वैक्सीनेशन अपना करा लें, तो शायद इस कोरोना महामारी से वायरस रहेगा वातावरण में लेकिन हम पर कोई फर्क नहीं डालेगा और हम लोग बड़े सुरक्षित रहेंगे और फिर वापस ना लॉकडाउन की नौबत आएगी ना कोरोना कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और अपना जीवन फिर से पटरी पर लौट सकेगा। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश है और उम्मीद की जाना चाहिए लोगों से। हम फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि हाथ धोते रहिए,
सैनिटाइजर का उपयोग करिए, जो भी करिए साबुन का, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार सारे संसाधन झोंक रही है, जो जो इंतजाम हो सकते थे वो कर रही है, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और महामारी का इस दौर में हम आपसे सबसे फिर अपील करते हैं कि आप कोरोना वॉरियर बनिए, कैरियर मत बनिए, क्योंकि जीवन अनमोल है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद भी समझिए, सारी चीज़ें सरकार के भरोसे ना छोड़िए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।